Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. In one of the episodes that we had done, some of my friends have posed a question that how this whole cosmos is imaginary. In that episode, we had discussed about this whole cosmos being imaginary, being only in the appearance. It is not substantial. Its existence is negligible. In reality, it does not exist. What exists is the three original principles. So apart from the mool principles, original principles, whatever is there, whatever appears, is only in the appearance. It does not have any substance in it. Now, many of my friends are raising this doubt. They are raising this question, how this universe, this cosmos, or whatever they see, they touch, how can it be imaginary? How can it be only in the appearance? And how is it that there is no substance in it? While they see the things, they touch the things, but how can one say that it is all imaginary, it is all only in the appearance? Now we will explore a little deeper into this problem, into this issue or question, we can say. Sharma ji, मेरे बहुत सारे friends हैं, बहुत सारे students हैं, वो ये कहते हैं कि जैसा आपने एक episode में बोला था कि जो पूरा जगत है, ये काल्पनिक है, काल्पनिक, appearance में भासता है, भासता है, और आपने योग वशिष्ठ की का उदाहरण भी लिया, उदाहरण दिया कि हाँ, महर्षि वशिष्ठ जी ने राम जी को बोला कि ये जो जगत है राम जी, ये भासता है, और ये बहुत सारे ग्रंथों में है, है ना, बुद्धिज्म में भी है, बहुत स्कूल्स के अंदर है ये कि ये जगत है, काल्पनिक है, भासता है ना, कहीं कहीं तो ये लिखा है जगत है ही नहीं, है ना। स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है या जो कोई भी आदमी है, ठीक है, वो इस बात को समझ नहीं पाता। उसको तो लगता है कि जगत को हम देख रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, काल्पनिक कैसे हो सकता है उनके, उसके लिए तो जगत एक एग्जिस्टेंस रखता है, जगत तो है उसके लिए, तो कैसे ये योगिक साइंस को कैसे देखता है? योगिक साइंस के अगर माध्यम से देखें, आध्यात्मिक साइंस ये कहती है कि जब हम मूल में होते हैं तो हम साकार और निराकार को, जब हमें मूल का ज्ञान होता है, उस वक्त साकार निराकार को हम मूल, साकार निराकार को हम देखते हैं, छूते हैं, चखते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर करने के बावजूद भी हर स्थिति में उस जगत को मूल में ही जा कर के रुकते हैं और मूल ही जानते हैं उसको, जगत को, कि ये इसका जगत का ये सारी चीज़ बनावटी है, काल्पनिक है, ये बनावटी है, बना हुआ है, मगर इसका मूल ये आत्मा, परमात्मा, जीव आत्मा जिसे कहते हैं, हमने पहले से कहा था कि वो चीज़ है, बस यही तीनों जो है आधारित हैं, इन्हीं पे ये सारा का सारा बना है। अगर हम देखें कि इस वक्त देखें, प्रेजेंट टाइम में देखें कि हम साकार हैं, जिंदा हैं, बोल रहे हैं, चख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जगत का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जगत का प्रभाव, दुष्प्रभाव देख रहे हैं, जगत में हम हर चीज़ ग्रहण कर रहे हैं और त्याग भी कर रहे हैं, तो जगत का हम बहुत सारा ये ग्रहण त्याग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब जगत है, मगर जगत इस साकार की स्थिति में से जब हम जगत को देखते हैं तो हमें निराकार और मूल हमें कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये चीज़ से हम बिल्कुल ना समझ होते हैं, तो हम इसी को पक्का समझ लेते हैं कि भाई जगत है, मगर जब हम ख़त्म हो जाते हैं और ख़त्म होने के बाद मृत्यु हो जाती है, निराकार में चले जाते हैं, तो हमें साकार और मूल दिखाई नहीं देता है। वहाँ से निराकार तो स्थिति मेरी है, मगर हमें साकार और अपना मूल दिखाई नहीं देता है। मगर जब हम, अगर हम ये दोनों परिस्थिति में रहें और ये दोनों परिस्थिति के साथ जब हम योगिक साइंस से, अपने अध्यात्म साइंस से ये मूल को में जा कर के पहुँच जाते हैं,
तो जब हम मूल को मूल में पहुंच जाते हैं उस वक्त हम जब साकार को देखते हैं तो साकार में भी सारे मूल की गणना साकार की दिखाई देता, आकार सारे दिखाई देते मूल के, मगर मूल ही अंतिम में रह जाता है, बाकी उस गणित को वो दिखाई देता है। तो साकार से वो तात्पर्य नहीं रखता है, होता होगा साकार मगर वो तात्पर्य नहीं रहता है, मूल को ही देखता है वो, मगर वो निराकार को भी देखता है, इसी जगह से निराकार को भी देखता है, क्योंकि वो निराकार में भी मूल को ही देखता है, निराकार की बहुत सारी गणनाएं देख करके भी अंततः मूल में ही जाकर के रुकता है। ये योगिक साइंस की ये ही एक महानता है कि वो आत्मज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से ये चीज योगिक साइंस से ये प्रत्यक्ष होती है कि आप जो है ऐसी स्थिति से आए जहाँ जगत काल्पनिक दिखाई दे, ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं। तो जो लोग मूल में हैं, अपना ज्ञान रखे हुए हैं, आप अनुभव रखे हुए हैं, उनके लिए तो ये जगत सीधा सीधा काल्पनिक है। और अगर जैसे मैंने बोला योग वशिष्ठ जी रामायण में जो है वहाँ पर वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि हे राम जी ये जगत मिथ्या है, तो वहाँ उपदेश दिए जा रहे हैं, उपदेश के माध्यम से जगत को मिथ्या बताया जा रहा है। तो ताकि आपका जगत मिथ्या आपके कहीं एक मन बुद्धि चित्त अहंकार में एक जगह बनाए और आप अपने मूल में जल्दी पहुंचो, इसके लिए ये तीव्रता वहां लाई जा रही है। तो वो यहाँ पर योग वशिष्ठ रामायण में इसलिए कहा जाए, हमने पहले एक उदाहरण दिया था कि जगत मिथ्या है और जगत काल्पनिक है। तो जगत दूसरी अगर हम स्थिति, हम अपनी स्थिति से अनुभव से हम बताएं कि अगर हम जगत के अंदर रहें, जगत के अंदर रहें तो हमें हर चीज़ जगत की दिखाई देती है, नाना प्रकार और उसके भांति भांति के प्रकार, और नाना जगत है, इसके बहुत सारी उसकी विधियां हैं, बहुत सारे इसके वो हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि सारी स्थिति आती हैं, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक स्थिति है और उसके चुंबकीय घनत्व की, तो ये जो चार चीज़ों को लेकर के जहाँ पे मूल में ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ होने से वो नाना प्रकार दिखाई देता है। तो नाना नाना प्रकार का जगत है, इसके कई प्रकार हैं, तो हर जगह पे वो आदमी मूल को देखता है, मगर जब हम ये अंदर रहते हैं तब की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे ब्रह्मांड को बाहर से देखते हैं तो जो एक अंडाकार स्थिति है वो ब्रह्मांड की ये सारी टोटल स्थिति है, ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ ब्लैक हो चुका है क्योंकि सब सिकुड़ करके छोटा हो गया है, हम उसको बाहर से देख रहे हैं तो वो हमें ब्रह्मांड कंप्लीट छोटा दिखाई दे रहा है, ब्लैक हो गया है, तो वहाँ पर किसी चीज़ की नाना प्रकार कोई चीज़ नहीं स्पष्ट हो रही है। जैसे कि एक उदाहरण तौर पर अगर हम कमरे के अंदर देखें तो इसी कमरे में सब चीज़ है, और जब हम कमरे के अंदर से हर चीज़ की नाना प्रकार चीज़ें देखें, हर चीज़ छूकर देखें है, मगर मेरा ये कहना है कि अगर मैं इस कमरे को बाहर से और दूर से स्थिति इसकी इसको हम दृष्टिगोचर करें, देखें इसको हम वहाँ से, तो कमरे के अंदर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी, कमरा हमें ये पूरा का पूरा दिखाई देगा, तो कमरा दिखाई देगा, चीजें नहीं दिखाई देगी, तो ये चीजें मिथ्या हैं, चीजें हम बाहर से देख रहे हैं इसलिए वो अंदर तो हमें दिखाई नहीं दे रही, मिथ्या हैं। दूसरा उदाहरण मैंने दिया था एक बार कि बीज के अंदर एक पेड़ पौधे सब चीज है, मगर बीज ब्रह्मांड रूपी जो बीज है, ब्रह्मांड अंडाकार है जो, वो ब्रह्मांड रूपी जो बीज है, इस बीज को किसी भी ऐसी स्थिति में बोया नहीं जाता था जहाँ से इसमें फल निकल आए और ये फल पौधे और निकल आए, ऐसी कोई स्थिति है नहीं, इसलिए इसके ब्रह्मांड के अंदर जैसे बीज के अंदर फल फूल और फल फूल पत्ते जड़ें सब कुछ है मौजूद, और वो बाहर निकलने के लिए उतावले हों और वो सब के सब व्याकुल हो रहे हों और चलचित्र हो रहे हों, तो ब्रह्मांड है नहीं, अंदर चलचित्र हो रहा है, उसके अंदर अभी पौधा बाहर आया ही नहीं तो अंदर ही चलचित्र हो रहा है, तो अंदर तुम कितने भी चलचित्र कर लो, आप अभी बाहर उगे नहीं और बाहर अभी पेड़ बना नहीं, ऐसी जगह है नहीं, ब्रह्मांड को बोया नहीं जा सकता, इसलिए ब्रह्मांड के अंदर की हर चीज़ काल्पनिक है,
हमने आपको कई एंगल से, कई दृष्टिकोण से ये काल्पनिक होने के तरीके बताए हैं, और ये काल्पनिक जब ये स्थिति मजबूत होएगी तभी जाकर के मूल की ओर आपके जाकर के मन बुद्धि विचार चित्त उसकी ओर ही बढ़ पाएंगे। जगत को पकड़ के रखोगे तो ये आपके लिए सही है, मजबूत है और ये सब कुछ है, तो ये ठोस पदार्थ है, यही आपका भगवान है, फिर आप यहीं थोड़ा रुको, फिर उनके लिए ये सब्जेक्ट इस तरीके की समझ नहीं आएगी, तब थोड़ा मुश्किल हमें भी पड़ेगी ये समझाने के लिए। तो ये विषय है इस विषय पे, योगिक साइंस ये कह रही है आध्यात्मिक विषय पे कि ये जो है इस तरीके से ये जगत काल्पनिक है। ओके, दिस होल कॉस्मोस इज जस्ट इमेजिनरी, exist only in the appearance. Now this can be understood from many angles. Now one of the most important angle which Sharma ji was just talking about is that when we are in the mool or the original principles, which are the three principles, then this whole cosmos exists only in the appearance. It is all imaginary. Okay, the condition is when you are in the mool principles, in the original principles of this whole cosmos. What are those three principles? One is the energy of consciousness. The second is prakriti, which is called is called atma. Okay, and within this prakriti, within this atma, there are multiple jivatmas and of different types, millions of types. Okay, now within these three principles, okay, there is no creation. Creation has not started, right? Now when creation starts, when there is centering of the conscious energy, then creation starts happening. Okay, now within this creation everything exists, and if we are part of that creation, for us the whole cosmos is real. It appears real, it is not imaginary, but somehow by some method or by somehow you get out of this prakriti, or you are out of this whole cosmos and look at the cosmos, then the cosmos looks very black, very small, and in this condition we can say that it is imaginary. In the creation it is real, but beyond the creation, or you can say before the creation, it is imaginary. Now this is one angle from which we can understand this whole cosmos being imaginary or being only in the appearance. There is no substance in it. Now there is one more angle. You tell me one thing. Can you catch hold of this life? Can you hold the air, the whole water, the whole sea in your hand? It is not possible. Now nothing of this life can be held by your hand. You cannot hold it. Now something which you cannot hold, how can it be substantial? Now if you look deep into this, it cannot be catch hold of. So if you look deep into this, you will understand by and by that whatever we are feeling, whatever we are seeing, whatever we are touching, we are interacting with people, okay, they are all imaginary, because it is not in our control. We cannot hold it. So this is the second angle. So from these two angles, we can easily understand the cosmos being just imaginary, kalpanik, non-substantial. Thank you.